एक बार अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के पास गया। अक्षय कुमार ने टाइगर श्रॉफ से पूछा, व्हाई आर यू लॉन्ग फेस्ड? टाइगर श्रॉफ ने कहा कि भाई अगले महीने मेरे एग्जाम है, पूरा साल मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, लेकिन नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ माई टाइमिंग। तो अक्षय ने पूछा, भाई अब एग्जाम है, तुम्हें कहीं ना कहीं जो 11 महीने तुमने मस्ती मारी है उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, वरना तो तुम गए काम से। अब मैंने जो आपको ये छोटी सी कहानी सुनाई, इसे कहते हैं स्टोरी मेथड, और इसका इस्तेमाल होता है वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में। जी हाँ, सबसे असरदार तरीका है कहानियाँ बना लें और उस एक छोटी सी कहानी, छोटे से किस्से के अंदर 4-5 वर्ड्स डाल दें, जैसे कि मैंने डाले। अब वो 4-5 वर्ड्स कौन से थे जो आप सीखेंगे यहाँ से? अक्षय कुमार ने क्या पूछा टाइगर श्रॉफ से? व्हाई आर यू लॉन्ग फेस्ड? लॉन्ग फेस्ड का मतलब होता है चेहरा उतरा हुआ होना, यानी कि किसी का उदास होना। यानी कि उसने पूछा क्या था, तुम उदास क्यों हो? तो टाइगर श्रॉफ ने क्या कहा कि भाई मेरे प्रोक्रेस्टिनेट करने की वजह से, यानी कि टाल मटोल करने की वजह से, कल पढ़ूंगा, आज नहीं, परसों पढ़ूंगा, संडे को पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, यानी कि काम को आगे टालते रहना, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मैंने सारा टाइम खराब कर दिया। नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइमिंग। रन आउट ऑफ यानी कि कम पड़ जाना, मुक जाना, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ठीक से तैयारी कर पाऊँ। फिर अक्षय कुमार ने क्या कहा कि भाई जो 11 महीने तुमने मस्ती की है, तुम्हें उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कॉम्पनसेट, भरपाई करना, एक तरह से मुआवजा देना, जैसे सरकार मुआवजा देती है कई बार किसानों को, अगर उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है बर्फ़ पड़ने से या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से या आग लगने की वजह से, तो सरकार मुआवजा देती है, कॉम्पनसेशन देती है किसानों को। तो ऐसे ही अब टाइगर श्रॉफ को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या, ही हैज़ टू बर्न मिडनाइट ऑयल। ये एक तरह का idiom है, यानी कि रातों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ेगा, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जाग कर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन से 5 चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे? लॉन्ग फेस्ड, चेहरा उतरा हुआ होना, उदास होना, प्रोक्रेस्टिनेट, टालमटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल, कॉम्पनसेट, भरपाई करना, रन आउट ऑफ, कोई चीज़ कम पड़ जाना, रन आउट ऑफ टाइम, रन आउट ऑफ मनी, और लास्ट सबसे आखिरी वर्ड, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात तक जाकर मेहनत करना। इसे कहते हैं स्टोरी मेथड। और हमारे स्पोकन इंग्लिश में और आइल्स में जो भी बच्चे वोकैब कलेक्शन करते हैं, जो कि हमारे लिए मैंडेटरी रहता है, वो इसी तरीके से वोकैब इम्प्रूव करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ आर सिग्नेचर methods of learning vocabulary। अगर आप भी अपनी English improve करना चाहते हैं, अपनी vocabulary improve करना चाहते हैं, तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? हमारी online classes आप ले सकते हैं, और चिंता ना करें, पहले demo class लगा के देखें। हमारे trainers हैं, बहुत काबिल trainers की team है, 2 दिन की classes आप लगाएं, उसके बाद आप decide करें कि online आप पढ़ सकते हैं, online आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। सो 2 दिन के डेमो क्लासेस हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है 8570838141, उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और बुक कीजिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस। कीप लर्निंग, कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। बाय बाय, टेक